डॉक्टर रंजीत सिंह अकेडमी और मैं आपका रंजीत सिंह। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सेट स्क्वायर को आप किस तरीके से यूज करते हैं और किस तरह से यूज करके आप डिफरेंट एंगल्स को बना सकते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री। लेकिन पिछले वीडियो में एक काम रह गया था, दो एंगल बनाना मैंने शायद भूल गया था गलती से, एक 75 डिग्री का और 135 डिग्री का। क्योंकि कई लोगों ने कमेंट्स करके मुझसे पूछा कि सर आपने 75 डिग्री का एंगल बनाना नहीं बताया और 135 डिग्री का एंगल बनाना नहीं बताया। तो आइए हम इस वीडियो को पूरा करते हैं और आपको वीडियो का अंत तक देखिएगा तो आप सीख पाइएगा कि कैसे 75 डिग्री और 135 डिग्री का एंगल आप बना सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमें जरूरत पड़ेगी एक प्रोटेक्टर की, यानी कि डी की। हमें जरूरत पड़ेगी दोनों सेट स्क्वायर की, हमें दोनों सेट स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और हमें स्केल की भी जरूरत पड़ेगी इस वीडियो को कंप्लीट करने में, इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट करने में। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आप सेट स्क्वायर देख रहे हैं, पहले सेट स्क्वायर का इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। ये सेट स्क्वायर कौन सा ट्रायंगल है? ये सेट स्क्वायर आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ठीक है। ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है और इस आइसोसेल्स ट्रायंगल के अंदर में जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो एंगल का ध्यान रखना जरूरी है आपके लिए कि आप इसको ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है और ये भी हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल है और इसके ऊपर 45 डिग्री और यहाँ भी जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का एंगल, मतलब इसमें 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। अगर उसी जगह पे हम दूसरे वाले सेट स्क्वायर को देखते हैं, अगर आप इस सेट स्क्वायर को देखोगे तो इस सेट स्क्वायर को राइट एंगल का, इसको आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं, इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं और इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, ठीक है। कुछ ऐसे फिगर्स बनेंगे यहाँ पे, इस फिगर को मैं कंप्लीट कर दूं, बना दूं एक बार, ठीक है। तो हमारा ये ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, इस ट्रायंगल को मैं मिला देता हूँ यहाँ पे लाइन को स्केल की मदद से, ठीक है। ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल है और ये जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस सेट स्क्वायर में आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री मिलता है, यहाँ पे 30 डिग्री मिलता है, यहाँ 60 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री। अब अगर 75 डिग्री का एंगल बनाना है तो 75 डिग्री के एंगल बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं यहां पे, द फर्स्ट आई ड्रॉ अ लाइन, ठीक है। तो मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया स्केल की मदद से, आप लाइन को स्केल की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से स्केल की मदद से लाइन को ड्रॉ कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि आप यहाँ पे 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री इन दोनों एंगल्स को इस तरीके से आप कंबाइन कर सकते हैं, ये 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, इसको आप यहां पे रखिए अलाइन करके, ठीक है। और इसको अलाइन करने के बाद ध्यान से इसका अलाइनमेंट कीजिएगा इस तरीके से, सॉरी ये 45 डिग्री और ये 30 डिग्री को लीजिए इस तरीके से, इसको अलाइन कीजिए यहाँ पे लाइन के ऊपर। और जब ये लाइन के ऊपर अलाइन हो जाए आपका तो आप या तो इसकी मदद से सीधा आप यहां से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और अगर आपको लाइन ड्रॉ करने में दिक्कत हो तो आप स्केल की मदद से भी आप इस काम को कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अब स्केल की मदद लूंगा और स्केल की मदद से मैं इस लाइन को ड्रॉ करूंगा, देखिए मैंने ऑलरेडी लाइन ड्रॉ कर लिया था और मैंने स्केल की मदद से इस लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब चेक करते हैं कि क्या ये जो एंगल है वो 75 डिग्री है या नहीं है। इसके लिए मैंने इसको यहाँ पे अलाइन किया, देखिए ये वाला जो लाइन है ये लाइन इसके ऊपर आना चाहिए और ये सेंटर पॉइंट पे ये आ गया ये मार्कर, और उसके बाद आप यहाँ पे चेक कीजिए तो 70 + 80 और इसके बीच का एंगल है ये 75। तो हमारा ये 75 डिग्री का एंगल। इसी जगह पे अगर 135 डिग्री का एंगल बनाना हो, 135 डिग्री का एंगल बनाना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, चलिए मैं फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक मैं एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। पहले तो सबसे पहले मैंने लाइन को ड्रॉ किया, ये हमारा लाइन आ गया, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ओके लाइन स्ट्रेट रखिएगा, बोर्ड पे थोड़ी सी दिक्कत होती है स्केल और इनको यूज करने में। और उसके बाद अब देखिए आपको करना क्या है कि यहां से आप 90 डिग्री लीजिए और यहां से आप 45 डिग्री लीजिए, मतलब ये इस तरह का फिगर बनेगा यहाँ पे। इन दोनों सेट स्क्वायर को अगर हम इस तरीके से ज्वाइन कर दें तो ये 90 + 45 कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 135 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसको आप दोनों ही सेट स्क्वायर को आप यहाँ पे अलाइन कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। मैंने इसको लाइन पे अलाइन कर लिया और इसको भी लाइन पे टच करा रखा है, ध्यान से इसको करना है, दोनों को टाइटली होल्ड करना है और अब आप यहाँ से एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है।
बट कोई बच्चे नहीं लाइन को मैं स्केल की मदद से ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए मैंने स्केल की मदद से इस लाइन को ड्रॉ कर दिया ये, और अब आप इस एंगल को अगर आप चेक करोगे इस एंगल को, तो इसका मेजरमेंट जो होगा वो 135 डिग्री का होगा। तो आइए देखते हैं इसका मेजरमेंट कि क्या ये 135 डिग्री है या नहीं है। तो इसको जरा ध्यान से देखते हैं। मैंने इसको लाइन पे यहाँ पे लाया, ये अलाइन किया यहाँ पे, और अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ। तो दिस इज 130 एंड 140, और इसके बीच का एंगल है ये 135। तो इस तरीके से आप 75 और 135 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेट स्क्वायर की मदद से 10 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।